और अब बड़ी खबर गुजरात की खेड़ा इलाके से, जहां पर जबरदस्त बारिश के बाद ऐसी आफत आई कि वहां अंडरब्रिज में एक एम्बुलेंस जा फंसी। उस एम्बुलेंस में दो लोग मौजूद थे, जो जिनमें से एक मरीज था जिसको अस्पताल ले जाया जा रहा था। आसपास पानी भरा हुआ था और इसी वजह से एम्बुलेंस बीच में फंस गई। हालात ऐसे हो गए कि उसे रेस्क्यू करने के लिए फायर ब्रिगेड तक को बुलाना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार दमकल कर्मियों ने रस्सी से बांधकर एम्बुलेंस को पानी से बाहर निकाला। गुजरात के खेड़ा इलाके की यह घटना, अंडरपास में पानी भर जाने की वजह से एम्बुलेंस फंस गई, जिसमें एक मरीज था और एक और शख्स इस एम्बुलेंस में सवार था। दमकल कर्मियों को बुलाकर इस एम्बुलेंस को बाहर किया गया। दरअसल ड्राइवर को इस बात का अंदाजा ही नहीं हुआ कि अंडरपास में इतना ज्यादा पानी हो सकता है कि एम्बुलेंस उसमें फंस सकती है। हालात इस कदर खराब हो गए कि पूरी एम्बुलेंस पानी में फंस गई। और देखिए किस तरीके से रस्सी के सहारे दमकल कर्मियों ने अंडरपास से एम्बुलेंस को खींचकर बाहर निकाला। तक हमने फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम में मैसेज मिले लो कि श्रेयस गन्नारामा एक एम्बुलेंस द्वारा उतरी गया है और एनी गाड़ी बंद थी जवाती अंदर मानसों साथे फसाई गया है। जे हमें हमारी टीम साथे फायर ब्रिगेड ना रेस्क्यू साधनों साथे आई और तात्कालिक योजना तोड़ने गाड़ी ने परत खींची ली थी पानी बदे पहला। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक